प्रदेश भर में नोनिहालों को पिलाई दो बूंद जिंदगी। प्रदेश भर में आज 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कमला नेहरू अस्पताल से अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बर्फ से अवरुद्ध किन्नौर, लाहौल स्पीति तथा चंबा के भरमौर उपमंडल के अलावा अन्य सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अस्पताल में आने का और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का एक कार्यक्रम के रूप में उपस्थिति यहां दर्ज हुई है और हमारा तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट यहां पर उपस्थित हुआ है। ये अभियान पूरे विश्व में आज पोलियो प्रतिरक्षण दिवस ऐसा करके पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पल्स पोलियो अभियान के लिए जा रही आंगनवाड़ी वर्कर की मौत। सैंज घाटी के अति दुर्गम क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान में तैनात आंगनवाड़ी वर्कर गीता की बर्फ में फिसलकर मौत हो गई। गीता देवी पति के साथ पल्स पोलियो अभियान में दुर्गम क्षेत्र साकटी मरोड़ शुगाड़ के लिए नौनिहालों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाने जा रही थी। प्रसव के बाद महिला मौत मामला, पुलिस ने चिकित्सक के खिलाफ दर्ज किया केस। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में प्रसव के बाद महिला की मौत मामले में पुलिस ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मृतक महिला के पति की शिकायत के बाद कार्रवाई अमल में लाई है। पति का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ ने लापरवाही बरती जिसके कारण पत्नी की मौत हुई। ऊना अस्पताल की अव्यवस्था पर भड़के कांग्रेस विधायक रायजादा। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में अव्यवस्थाओं को लेकर ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। रायजादा ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में ना ही पूरा स्टाफ है और ना ही डॉक्टरों के पास उपकरण है। वहीं यहां पर तैनात कई डॉक्टर तो सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्लिनिक भी चला रहे हैं। पिछले दिनों जब हमारे MLA प्रायोरिटीज के कामों के लिए हमारी मीटिंग हुई थी शिमला में, तो मैंने शिमला में मुख्यमंत्री महोदय के आगे और हमारे जो ऊना डिस्ट्रिक्ट के मंत्री कमर साहब हैं ये भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने एक मुद्दा वहाँ पे उठाया था कि हॉस्पिटल में 3-4 डॉक्टर्स कम से कम ऐसे हैं जो अपने घर पे या अपने क्लिनिक पे काम करते हैं और दिन को वो काम करते हैं, रात की ड्यूटी यहाँ पे होती है, अगर नहीं है तो उनकी ड्यूटीज उस हिसाब से लगती है। और जब वो अपने वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, अगर इमरजेंसी में जहाँ पर किसी को बुलाना पड़े तो वो नहीं आते हैं। मैंने वहाँ पे ये मुद्दा उठाया, उन्होंने मुझे बोला कि आप लिख कर दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि एक सरकार जो है वो विधायक को ये बोलते कि आप लिख के दीजिए, वो विधायक की बातों का विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं लिख के भी दूंगा आपको, बात लिख के देने की नहीं है। जब हम किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो आप उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, आप उसके ऊपर जाइए। जब हम स्वचालनाइजेशन का मुद्दा उठाते हैं तब भी सत्ता पक्ष के लोग वही बात बोलते हैं कि इनकी सरकार में ऐसे हुआ है। कि सरकारें बदलती है सुधार के लिए, अगर हमारी सरकार में कोई काम अच्छा नहीं हो रहा था तो सुधार के लिए जनता ने इनको आगे लेके आए। अगर इनकी सरकार में भी दुगनी स्पीड से अपराध बढ़ रहा हो, दुगनी स्पीड से खनन माफिया बढ़ रहा हो, दुगनी स्पीड से हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। आज ऊना का हॉस्पिटल PGI रेफर हॉस्पिटल के नाम से मशहूर हो गया है। कल का इंसिडेंट की बात करूंगा, जब हॉस्पिटलों में इलाज होते हैं डेथ किसी की भी हो सकती है। मैं किसी एक पर्सनल व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन लापरवाही के कारण अगर किसी की डेथ हो, हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण डेथ हो, हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, औजार ना हो, उसके कारण डेथ हो जाए तो सरकार जिम्मेवार बनती है। वन विभाग की बिल्डिंग पर गिर रहे स्लेट लोगों को कर रहे घायल। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 में शिव मंदिर के सामने राम गली में बनी वन विभाग की बिल्डिंग से गिर रहे स्लेट लोगों को घायल कर रहे हैं। अनसेफ घोषित हो चुके इस भवन की दीवारें अंदर से ध्वस्त हो चुकी हैं। महज 4 दीवारी पर टिका ये भवन कभी भी जमींदोज हो सकता है, जिसे लेकर लोगों में खौफ है। स्कूली बच्चों ने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश।
जिला के मलोखर में सरस्वती विद्या मंदिर का वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। खेलों तथा अन्य गतिविधियों में अव्वल रहने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, 5 जिलों में हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों की बर्फबारी के बाद बेशक आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है। SDM ने कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और शिमला जिले के लिए हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया है। सोलन में पत्नी ने रेता पति का गला, गंभीर हालत में PGI रेफर। जिला सोलन के तहत पड़ने वाले छावनी क्षेत्र सुबाथू में एक व्यक्ति का गला रेतने का मामला सामने आया है। व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे उपचार के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विक्रमजीत कंवरपाल की सलाह, जुनून है तो कभी बॉलीवुड में आए युवा। यदि हिमाचली युवाओं में जुनून है तभी मुंबई आए, क्योंकि वहां सफल होना इतना आसान नहीं है। यह बात बॉलीवुड फिल्म अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल ने कसौली में कही। विक्रमजीत इन दिनों जिला सोलन के कसौली की हसीन वादियों में वेब सीरीज सफर की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। पैशन हो तो वहां जाइए, वरना अगर आप सोचते हैं कि वहां पे आप जाते ही ऐसे नाम कमा लेंगे और पैसा कमा लेंगे, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक ख्याली पलाव है जो लोगों को मिलते हैं, जो अपने अपने ड्रीम्स देखते हैं कि अरे मैं एक बार चले जाऊंगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वैसे होता नहीं है। क्योंकि असलियत बहुत अलग होती है और बहुत लंबी स्ट्रगल है, तो जब तक आपके दिल में वो जज्बा और वो पैशन ना हो तो इस लाइन में मत आइएगा। पर हाँ, अगर वो है तो आके कोशिश पूरी करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बिलीवर हूँ कि जो आप चाहते हैं लाइफ में उसको करने की पूरी कोशिश भी नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। युवा रिग्रेट सा रह जाता है कि काश मैंने वो किया होता, वो नहीं होना चाहिए। उपकार दिवस पर पंडित बालकृष्ण शर्मा को किया याद। समाज सेवी पंडित बालकृष्ण शर्मा का 74वां जन्मदिन इस मर्तबा भी उपकार दिवस के रूप में मनाया गया। श्री बालाजी अस्पताल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कांगड़ा परिसर में सुबह 10 से 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के बाद धाम का भी आयोजन किया गया। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा।